बिल्डिंग तो काफी बढ़िया है, लेकिन इसको खरीदने के लिए केवल पापा की जमीन से काम नहीं चलेगा, चाचा और ताऊ की भी बेचनी पड़ेगी। लेकिन उनको मनाएगा कौन? चलो वो तो बाद की बात है। और चाम भाई कैसे, क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही जमीन बेच खरीदने की सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ 3-4 बीघा खरीद लूँ जयपुर शहर में। अच्छा अच्छा, अरे ये किसको लेके आया साथ में? अरे ये मेरा गांव का, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे रूम पे रहेगा साथ में। इसके अच्छा? पापा की गोली बना के लाया हूँ मैं। 5,000 महीने के देंगे इसके पापा। 5,000 महीने के? 5,000 महीने के देंगे। अपना क्या जाता है, रूम का रेंट भरेगा। वाह यार बढ़िया है, 5,000 महीने के। अरे भाई एक मिनट रुकना यार, कॉल आ रहा है। हेलो, ₹5,000 महीने का दे रहा है, बढ़िया है। मेरे पास तो ₹200 नहीं है, गैस का सिलेंडर खाली पड़ा है। कैसे भी स्कीम लगा के इसको अपनी साइड करना, अपना रूममेट बनाना पड़ेगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो पहले इसी को ही अपनी साइड कर। अच्छा तू आया मेरे दोस्त के साथ रहने, अच्छे खानदान का लग रहा है देखने में। तो भाई है उसका? अच्छा गाँव का लड़का है ना तू? तो मैं ये कह रहा था तू उस गंदे फकीर फटीचर आदमी के साथ रहेगा, तेरे को पता नहीं है वो कितना गंदा आदमी है। यहाँ तक कि बीड़ियां भी गेटोर वाला वो गंदा नाला नहीं है, उसमें से चुप चुप के पीता है। कैसे रहेगा तू उसके साथ? और गुटखा खैनी पान मसाला पता नहीं क्या क्या खाता रहता है, वो हर जगह पचक 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 कर देता है, कैसे रहेगा उसके साथ? मैं क्या कह रहा हूँ, अपना सारा सामान उठा और पीजी में शिफ्ट हो जा। क्या कि मैं तो रख नहीं सकता तेरे को, मैं क्या थोड़ा वीआईपी तरीके से रहता हूँ, मेरा 20-25 हज़ार रुपये तो महीने का खर्चा आ जाता है केवल रेंट का, खाने का अलग से वो 35,000 कुछ बैठता है। अब इतना तू तो दे नहीं पाएगा, तो मैं तेरे को नहीं रख पाऊंगा। लेकिन ठीक है तू मेरे दोस्त का भाई है, इसलिए तेरे को मैं 5,000 में रख लूंगा। तू 5,000 महीने का दे देना, मेरे साथ रह लेना, बाकी उस गंदे आदमी के साथ मत रहे। उसकी तेरे को मैं देख फोटोएं दिखाता हूँ, कितनी गंदी गंदी फोटोज है, देख ये देख, ये देख, इतनी गंदी फोटो देख, ये क्या चुभ रहा है, देख कचरा है, कचरा। मैं कह रहा हूँ तू कचरे के साथ रह रहा है, मेरे साथ आ जा। 5,000 कोई ज्यादा थोड़ी, वैसे जमीन कितनी है? नहीं वो बेचेंगे नहीं रे, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, तू तो मेरे साथ ही आ जा, उसके साथ रहने में कोई फायदा नहीं। यार तू इतना चुपचाप कैसे खड़ा है, कुछ बोल ले, शर्म आ रही है? अरे शर्म मत कर, भरत का दोस्त मेरा दोस्त, मैं भी तेरा दोस्त हूँ। देख मेरा कोई वो मतलब नहीं है कि मैं अपने दोस्त के साथ धोखा कर रहा हूँ या मेरे को उसके साथ कोई बेर है, जेलसी फील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तेरी सोच रहा हूँ, तू क्या गांव का लड़का है, शहर के लड़कों के बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरे साथ रहेगा, दोनों भाई रहेंगे एकदम वीआईपी, फुल पार्टीज करेंगे। तेरे को पता है वो पार्टी के नाम पे ठेले पे जाके गांजा फूंकता है, उसको पार्टी थोड़ी बोलते हैं। अपन दोनों भाई जाएंगे बियर बार में, खूब मजे करेंगे, डांस फ्लोर होगा, डांस करेंगे, खूब लड़कियां होगी। सेटिंग करवाऊं तेरे? हाँ तेरे सेटिंग भी मैं ही करवा दूंगा, मेरे तो वैसे 20-25 है, बात करने को टाइम नहीं है। तू नो टेंशन रे, तेरा भाई है तब तक तू वीआईपी है, पैसे वैसे की चिंता मत कर, तू बस 5,000 दे देना, क्या कि रेंट देना है रूम का। नहीं वो नहीं, मेरा रूम का नहीं, मेरे फ्रेंड का है, उसको थोड़े से पैसे चाहिए थे, उसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना रेंट फुल है, 5 महीने का तो मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है, कोई 2-3 लाख रुपए बन रहे हैं, उन्होंने कहा पहले ले लो यार, मेरे को बाद में रूम की किचकिच किचकिच वो नहीं चाहिए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस तू तो मेरे साथ कल ही शिफ्ट हो जाए। बाकी मेरा दोस्त है उससे तेरे कोई बात करनी पड़ेगी, वरना वो मेरे पे तो गुस्सा हो जाएगा, है ना? तो मैं तेरे को सही आइडिया दे रहा हूँ, तू देख लेना तेरे साथ। सुन सुन सुन, दोस्त आ रहा है मेरा, उसको कुछ मत बोलना, मैंने तेरे को कुछ बोला था। अरे भाई हो गई बात, आ गया है, कुछ मत बताना उसको। अरे यार तेरा ये दोस्त इतना शांत वांत कैसे है, कुछ बोल रहा ही नहीं है? ओ शिट यार, तेरे को बताना भूल गया, ये ना बेरा है। क्या बेरा है? बेरा है? और ये चश्मा क्यों लगा रखा है काला? बेरे के साथ में अंधा भी है। क्या अंधा भी है? मतलब मेरी इतनी मेहनत बेकार गई। अरे यार पहले ही बता देता साले अंधे, पर बताएगा कैसे, तेरे को कुछ सुनाई तो नहीं दिया। लगता है जयपुर में बर्फ छिल गया है। ये तो सच में, ये तो जमा खत्म है, गया। इतनी मेहनत का बैंड बजा दिया साले ने, अब तो लगता है ताऊ जी और अंकल जी की जमीन ही बेचनी पड़ेगी।